बॉलीवुड एक्टर आशुतोष राणा आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत स्वाभिमान सीरियल से की थी। आशुतोष एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर लेखक भी हैं। ट्रांसजेंडर मंजुमा को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर लोगों के सवाल खड़े होने के बाद कंगना का रिएक्शन सामने आया। कंगना ने इंस्टाग्राम पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि नेशनलिज्म जेंडर और धर्म नहीं दिखता है। बिग बॉस 15 के घर में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में प्रवेश करने वाले राकेश बाबट घर से बेघर हुए हैं। किडनी स्टोन के दर्द की वजह से तबीयत बिगड़ गई और घर से बाहर होकर अस्पताल में एडमिट हुए। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की अपकमिंग फिल्म छोरी का पहला टीजर रिलीज कर दिया गया। इस बात की जानकारी खुद नुसरत ने सोशल मीडिया पर फिल्म का टीजर फैंस के साथ शेयर कर दी है। एक्ट्रेस किरण खेर को इस साल ब्लड कैंसर होने के बाद से वो काम से दूर चल रही थी, लेकिन अब किरण काम पर लौट आई है। वे इंडियाज गॉट टैलेंट के नवे सीजन को जज करेंगे। मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता मेकअप सेशन के लिए जुहू के कुमारके सैलून में नजर आई, जहां उन्हें फ्लोरल ड्रेस में देखा गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान को मुंबई की प्लेट से जिम के बाहर नजर आई, जहां वो अच्छी लग रही थी। हिंदी फिल्मों के एक्टर शरद केलकर को अपनी पत्नी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां वो दोनों बेहद अच्छे लग रहे थे। सिंगर राहुल वैद्य और एक्ट्रेस दिशा परमार को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां वो दोनों काफी क्यूट एक साथ नजर आ रहे थे। बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट रही रिधिमा पंडित को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान एक्ट्रेस रिधिमा पंडित को व्हाइट टॉप और ब्लू जींस में देखा गया।